हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 12th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और उसको याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और आपको किसी अन्य क्वेश्चन को समझने और उसको याद करने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा और उसके आंसर को याद भी कराऊँगा। चलिए तो बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है व्हाट, व्हाट मीन्स हो गया क्या, आर हो गई हेल्पिंग वर्ब और रीज़न मतलब होते हैं कारण। तो क्या कारण हैं और किसके, जी ऑफ ग्रीन के क्या कारण हैं, और फोर इंक्लूडिंग मतलब होता है सम्मिलित करने के। तो जी ऑफ ग्रीन ने क्या किया था, सम्मिलित किया था, और किसको सम्मिलित किया था, हाई स्कूल के स्टूडेंट को सम्मिलित किया। और काय में, इन मतलब मैं, और कौन से अभियान में, स्टूडेंट ऑन आइस एक्सपेंडिशन, ये एक अभियान का नाम है। इस अभियान में हाई स्कूल के बच्चों को सम्मिलित किया था उन्होंने। तो बताना है किस कारण से उन्होंने सम्मिलित किया था। ये अभियान जो है ना अंटार्कटिका पर गया था और इसके माध्यम से जो लेखिका है इस चैप्टर की, तिसानी जोशी, वह भी इस अभियान के माध्यम से वह कहाँ घूमने गई थी, अंटार्कटिका पर घूमने गई थी। तो ये सब लोग कहाँ गए थे, अंटार्कटिक महासागर पर घूमने गए थे। तो हमको ये बताना है जी ऑफ उस अभियान के क्या थे, संस्थापक थे। तो ये क्या करते हैं, हाई स्कूल के बच्चों को क्या करते हैं, इस अभियान में सम्मिलित कर लेते हैं उनको, मतलब वहाँ पर अंटार्कटिका पर घुमाने ले जाते हैं। तो किस कारण से ले जाते हैं, ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। चलिए तो इसके आंसर को समझ लेते हैं। तो क्या लिखा है, जी ऑफ ग्रीन जो है ना वो क्या करते हैं, थॉट, थॉट मतलब यहाँ थिंक की सेकेंड फॉर्म लगी है ना, तो वह क्या करते हैं, सोचा उन्होंने। और क्या सोचा, जो यंग स्टूडेंट है ना वो आर मतलब हैं, क्या हैं, फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स हैं, मतलब भविष्य के नीति निर्माता हैं। क्या लिखा है, जी ऑफ ग्रीन क्या करते हैं, थॉट करते हैं, वह सोचते हैं। और उन्होंने क्या सोचा कि जो यंग स्टूडेंट है ना वो क्या है, आर फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स हैं, भविष्य के नीति निर्माता हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो यंग स्टूडेंट है ना वो आगे चल के क्या करेंगे, वो ही साइंटिस्ट बनेंगे, उनमें से कोई पॉलिटिशियन बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। कहने का तात्पर्य वो क्या करेंगे, भविष्य की नीतियों को बनाएंगे। और वहाँ पर जाकर जो अंटार्कटिका पर वो जाएंगे, वहाँ का वो अनुभव प्राप्त करेंगे, वहाँ पर देखेंगे जो क्लाइमेट है वो किस प्रकार से चेंजेस हो रहा है, जो मानवीय हस्तक्षेप है वो उस एनवायरमेंट को क्या कर रहा है, ख़राब कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जो हमारा ग्रह है ना उसको नुकसान पहुंच रहा है उस पर। तो ये जो अनुभव है उसका जो अवेयरनेस है ना वो क्या कर लेंगे, अपनी कम उम्र में ही उसको प्राप्त कर लेंगे, जिससे वो क्या करेंगे, भविष्य में नई नई नीतियों का निर्माण करेंगे, जिससे हमारे ग्रह को बचाने में सहायता प्राप्त होगी। इस वजह से वो ले गए थे। तो इसलिए उनका थॉट्स क्या लिखा है, जो स्टूडेंट है वो क्या है, आर मतलब है फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स हैं भाई वहां पर, और देयर मतलब इसलिए, दे ही मतलब उन्होंने क्या किया, प्रोवाइडेड मतलब होता है प्रदान करना, देम मतलब उन्हें, और क्या प्रदान किया, एन अपॉर्चुनिटी मतलब उन्होंने एक अवसर या मौका दिया, और काय का दिया, टू विजिट मतलब घूमने का, और कहां, अंटार्कटिका पर घूमने का उन्होंने को मौका दिया। तो उनको ले जाने का क्या कारण हो गया है, क्योंकि उनका थॉट क्या लिखा हुआ है, जो यंग स्टूडेंट है ना आर मतलब हैं और क्या है, फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स हैं, भविष्य के नीति निर्माता हैं, वो ही क्या बनाएंगे, नई नई नीतियां बनाएंगे। तो देयर फोर मतलब इसलिए, ही प्रोवाइडेड वह क्या करते हैं, प्रदान किया उन्होंने, दे मतलब बच्चों को क्या प्रदान किया, अपॉर्चुनिटी दी, और कहा कि टू विजिट करने की, और कहा अंटार्कटिका पर घूमने की उन्होंने उनको मौका दिया था। और वहां जाकर बच्चे क्या करेंगे, वहां पर जाकर बच्चे क्या कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, और किस बात का, दैट मतलब कि जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है, मतलब मानवीय दखलंदाजी, इंटरफेरेंस मतलब होता है दखलंदाजी, और किससे, इन नेचर से, जो मानव प्रकृति से क्या कर रहा है, दखलंदाजी कर रहा है। तो कैन मतलब सकता है, और रिजल्ट मतलब परिणाम, उसका परिणाम हो सकता है, और कैसा, इन ग्रेट कॉन्सिक्वेंस मतलब बड़ा ही हानिकारक हो सकता है। तो इन ग्रेट कॉन्सिक्वेंस मतलब बड़ा ही हानिकारक, क्या बड़ा ही नुकसानदायक होगा। तो एक स्टेप हो गई यहां पर, पहली स्टेप में क्या बता दिया है, जो यंग स्टूडेंट है ना वो क्या है, आर फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स हैं, और इसलिए, देयरफॉर मतलब इसलिए, ही प्रोवाइडेड उन्होंने क्या किया, प्रदान किया, और किसको, दे मतलब बच्चों को क्या प्रदान किया, अपॉर्चुनिटी दी, काय की दी, टू विजिट मतलब घूमने की, और कहां, अंटार्कटिका पर घूमने की दी थी। और बच्चे वहां जाकर क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे, वहां पर देख आंखों से वो देखेंगे उस सीन को, और वो क्या कर सकते,
सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। और क्या रियलाइज कर सकते हैं, जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है, मतलब मानवीय दखलंदाजी जो है ना, किससे, नेचर से, वो क्या कर सकती, कैन रिजल्ट उसका परिणाम हो सकता है इन ग्रेट कॉन्सिक्वेंस, मतलब बड़ा ही हानिकारक हो सकता है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरा कारण लिखा है उन्होंने, दे कैन एंटीसिपेट, एंटीसिपेट मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, तो दे मतलब जो प्रोनाउंस है बच्चों का, वो क्या कर सकते हैं, एंटीसिपेट मतलब पूर्वानुमान लगा सकते हैं। किस चीज का अनुमान लगा सकते हैं, द इफेक्ट मतलब प्रभाव का, और किस चीज का प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, और किस पर पड़ेगा वो, ऑन फ्यूचर के मैनकाइंड, मतलब भविष्य के मानव जाति पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह वह पूर्वानुमान लगा सकते हैं और वह नीति बनाकर इससे क्या कर सकते हैं, भविष्य के मानव जाति को बचा सकते हैं। तो इसलिए क्या लिखा है, दे कैन एंटीसिपेट, वह क्या कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं, किस चीज का, द इफेक्ट का, और किस चीज का इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट का, और काय पर पड़ेगा, ऑन फ्यूचर के ऑफ मैनकाइंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका वह पूर्वानुमान लगाएंगे और जिससे वो अच्छी अच्छी नीति बनाएंगे। लास्ट रीजन लिखा है, ही वॉन्टेड मतलब वह चाहते थे, और देम मतलब उनसे, मतलब बच्चों से चाहते थे, वो क्या करें, टू डेवलप कर ले वो, तो क्या लिखा है, ही वॉन्टेड मतलब वह चाहते थे, देम मतलब बच्चों से चाहते थे, वो क्या कर ले, डेवलप कर ले, कितनी चीजों को डेवलप कर ले, दो चीजों को, अंडरस्टैंडिंग को और किसको, रिस्पेक्ट को, और किसके प्रति, फॉर द प्लेनेट के प्रति। तो लास्ट रीजन में क्या लगा है, ही वॉन्टेड मतलब वह चाहते थे, किससे चाहते थे, देम मतलब बच्चों से चाहते थे, वो क्या कर ले, टू डेवलप कर ले, विकास कर ले, विकसित कर ले, दो चीजों को विकास कर ले, कौन कौन सी, अंडरस्टैंडिंग का और काय का, रिस्पेक्ट का, और किसके प्रति, फॉर द प्लेनेट के प्रति।